नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एलियन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना लुक फिल्मों और कहानियों के आधार पर एलियंस की तरह ही बना लिया। इस रियल लाइफ एलियन को देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, इसके बॉडी मॉडिफिकेशन ने सभी को हैरान कर दिया है। बता दें, फ्रांस में रहने वाले एथोनी लोफ्रेडो को एलियन काफ़ी आकर्षित करते थे, इस कारण उसने अपना लुक बिल्कुल एलियन जैसा ही कर लिया है। किसी ने एलियन को आज तक देखा तो नहीं, लेकिन सुनी सुनाई जानकारी और अफवाहों के आधार पर एथोनी ने अपना पूरा लुक बदल लिया। 32 साल के एथोनी ने खुद को एलियन की तरह बनाने की इस कड़ी में इस महीने अपनी नाक भी कटवा ली। उसने सर्जरी के जरिए अपनी नाक को चेहरे से ही हटवा लिया। वो जहाँ रहता है उस देश में ये ऑपरेशन इनलीगल है, इस कारण उसने बार्सिलोना जाकर अपनी सर्जरी करवाई। नाक कटवाने की इस सर्जरी को रिनोटॉमी कहते हैं। इसकी वजह से एंथोनी के चेहरे पर एक छेद रह गया है। खुद को मानव रूपी एलियन कहने वाले एंथोनी ने खुद इंस्टाग्राम पर अपना नया लुक शेयर करते हुए लिखा कि इस सर्जरी के लिए वो अपने दोस्त के शुक्रगुजार है। एंथोनी की इस सर्जरी को देखकर कई लोग हैरान हैं, लेकिन उसे इनसे डर नहीं लगता। ये पहली बार नहीं है जब एंथोनी ने ऐसा कुछ किया है। इससे पहले एलियन दिखने के लिए उसने अपने दोनों कान भी हटवा लिए थे। एंथोनी ने अपनी जीभ भी बीच से कटवा रखी है, ये सांप की तरह दिखती है। साथ ही उसने अपनी जीभ को हरे रंग में बदला लिया है। इससे उसका मन नहीं भरा तो उसने अपनी आंखों की पुतलियों में भी टैटू करवा लिया और इस कारण वो कई हफ्तों के लिए अंधा भी हो गया था। अपने लुक को एलियन की तरह बनाने के लिए एंथोनी ने अपनी बॉडी में कई सींग बनवा रखे हैं, साथ ही माथे पर कई पिंस डलवाए हैं। उसे देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन एंथोनी को अपना लुक काफ़ी कूल लगता है और वो हमेशा से ऐसा ही दिखना चाहता था। एंथोनी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया कि वो पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए वो पैदा नहीं हुआ है और इस कारण 24 साल की उम्र में वो ऑस्ट्रेलिया आ गया। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की। उसने टैटू करवाना शुरू किया और एक के बाद एक टैटू करवाए और फिर उसे अपनी बॉडी से छेड़छाड़ करने की आदत हो गई। इंस्टाग्राम पर एंथोनी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। लोग एंथोनी की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती है। तो दोस्तों, आपको एंथोनी का ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।